मंदसौर जिले में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। अनलॉक में बाजार पूरी तरह खुल चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने अनलॉक में भी बाजारों में निकलने के लिए लॉकडाउन के नियमों के पालन करने की हिदायत दी हुई है, लेकिन फायदा उठाते हुए कुछ लोग बाजारों में बिना मास्क के घूम रहे हैं। जिला प्रशासन के निर्देशों के बावजूद कुछ लोग मास्क लगाने से परहेज कर रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित कर प्रशासन अब कार्रवाई करने के मूड में आ चुका है। सोमवार को जिला जेल के समीप बिना मास्क के मोटरसाइकिल चलाने वाले लोगों के खिलाफ यातायात पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने बिना मास्क के वाहन चलाने वाले लोगों के चालान तो बनाए ही, साथ ही उनसे उठक बैठक भी लगवाई। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के पालन में जगह जगह पर पॉइंट लगे हुए हैं। टू व्हीलर फोर व्हीलर की सघन चेकिंग की जा रही है, जैसे बिना मास्क के वाहन चला रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, जैसे तीन सवारी वगैरह है उनके विरुद्ध भी चालानी कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि कुछ लोग क्या कोरोना को बिल्कुल ना समझ के बराबर चल रहे हैं, क्योंकि हम हिदायत दे रहे हैं कि अभी कोरोना भागा नहीं है, क्योंकि कोरोना किसी को छोड़ता नहीं है, ये क्योंकि महामारी बीमारी बहुत तगड़ी है। तो उनको हिदायत दे रहे हैं, अगर वो नहीं मान रहे हैं तो उनको दंड बैठक भी लगवा रहा हूँ। क्या अभी उठक बैठक लगवाएंगे उनको? क्या लगवाइए? अभी उठक बैठक भी करवा रहे हैं उनको, तो मास्क नहीं, बिना मास्क वालों को, तो ही इनकी अकल ठिकाने लगेगी। मंदसौर से EMS TV के लिए अब्दुल वाहिद रईस की रिपोर्ट।